नासदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था ۱۷۰۷ में औरंगजेब की मौत हुई। इसके बाद के 100 साल में मुगल सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और हिंदुस्तान के सियासी इख्तदार के लिए मुख्तलिफ ताकतें लड़ रही थीं। ये थी दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू, मध्य पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मराठा संगठन और बाहर से आए अंग्रेज और फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों को शिकस्त देने के बाद अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया। पहले अंग्रेज गवर्नर क्लाइव ने छल कपट और जाली दस्तावेजों के जरिए मैदान हमवार किया। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी गई। लड़ाई बहुत छोटी सी थी मगर इस छोटी सी लड़ाई का नतीजा बहुत बड़ा था। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बादशाह ए दिल्ली को भी अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा और वो उनका वजीफादार बन गया। अब बिहार और बंगाल में अंग्रेजों की ताकत को नकारने वाला कोई बाकी नहीं रहा। दौलत ए इंग्लेशिया कंपनी बहादुर के नुमाइंदे रेजिडेंट जनाब सैमुअल मिडिल्टन और जॉन जॉनसन कलकत्ता काउंसिल के रुकन। हुजूर, हम कलकत्ता काउंसिल की तरफ से पैगाम लाए हैं। नवाब साहब की दुआए खैर और अहद वफा की खबर क्या काउंसिल तक पहुंचाई गई? जी बिल्कुल पहुंचाई गई, लेकिन मुझे अफसोस से अर्ज करना पड़ रहा है कि काउंसिल हुजूर की मसनद नशीनी तस्लीम करने को तैयार नहीं। जनाब रेजिडेंट बहादुर साहब, इसका क्या मतलब है? नवाब साहब ने कंपनी बहादुर को पूरी तरह तसल्ली दी है कि जो भी मुआहदा इनके वालिद मरहूम मीर जाफर और कंपनी के दरमियान तय हुआ था ये उसकी तमाम शर्तें पूरी करने को तैयार है। इसके अलावा हुजूर की मसनद नशीनी बिल्कुल जायज है क्योंकि मरहूम नवाब ने खुद अपने बेटे को मस्तर पर बिठाया था। पाजा फरमाया मगिया कंपनी इस मसनद नशीनी को एक्सेप्ट नहीं करती। रेजिडेंट बहादुर, क्या कंपनी का यह रवैया इसलिए है कि आप लोग मसनद पर मेरे भतीजे मीर सैदू को बिठाना चाहते हैं? माफ करिए, इस मौजू पर हमें कुछ बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैं हुजूर को इतना बात सकता हूं कि मीर सैदू के काउंसिल में कई सपोर्टर्स हैं। अब जो भी फैसला होगा
वो आपके अमाव पर मुनहसे है। आप बराहे करम हमसे खुलकर बात कीजिए। इज्जतमान काउंसिल हमसे क्या तवक्को रखती है? हम किस तरह से उनका यकीन हासिल कर सकते हैं? काउंसिल चाहती है कि हुजूर एक नए ट्रीटी पर दस्तखत करें, अगर वो कंपनी की सरपरस्ती चाहते हैं। क्या आप उस मुआहदे के पाबंद नहीं जिस पर मेरे वालिद ने दस्तखत किए थे? नई ट्रीटी में कुछ नई शर्तें शामिल है। यानी? हुजूर कंपनी को बिना टैक्स दिए निजामत में व्यापार करने को इजाजत देंगे, मगर ये छूट और किसी को नहीं दी जाएगी। हम सिर्फ नमक पर 2.5% टैक्स देने को तैयार है। ये कैसे हो सकता है? हम अपनी रियाया पर चुंगी लगाएं और कंपनी को माफ कर दें? इससे हमें कोई सरोकार नहीं। ठीक है, ये इतना मुश्किल काम नहीं, आप आगे कहिए। काउंसलर का सजेशन है कि हजूर उनकी सलाह लेकर एक नायब सुबा मुकरर करे जो निजामत का आला अफसर बनकर रहेगा। वो रेवेन्यू कनेक्शन का जिम्मेदार होगा। लेकिन दीवानी की जिम्मेदारी तो मेरी है। काउंसिल को यकीन हो गया है कि टैक्स कलेक्शन में कमी हो रही है, जिसकी वजह से निजामत कंपनी के लोन्स वापस नहीं कर रही है। काउंसिल नायब सुबह के लिए किसे तजवीज कर रही है? काउंसिल का सजेशन है कि ढाका का मौजूदा नायब मोहम्मद राजा खान इस ओहदे पर मुकरर किए जाए। हरगिज नहीं, हमें ये नाम कतई पसंद नहीं। मैं ये पूरी तरह साफ करना चाहता हूँ राजा नानकुमाल, कि खान साहब पर काउंसिल मेंबर्स का पूरा भरोसा है। वो शख्स बेईमान है, उसने निजामत के 16 लाख रुपए गायब किए हैं ढाका की लगान वसूली से। इसकी हमारे पास सनद भी है। रेजिडेंट बहादुर, रजा खान को इस ओहदे पर हम नहीं रखना चाहते। आई एम सॉरी, मगर नए ट्रीटी की सबसे अहम शर्त यही है। इसके अलावा काउंसिल की रिक्वेस्ट है कि निजामत में किसी कारकुन को मुकरर करने या बर्खास्त करने के पहले उनकी इजाजत ली जाए। ये नहीं हो सकता। राजा नानकुमा, बेटर है कि आप पगे आगे के हमारा साथ है। काउंसिल ने आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है और इस बात का पता मिला है कि कंपनी के खिलाफ आपका ये कदम उठ चुका है, और अगर हुजूर को ये शर्तें मंजूर नहीं तो हम मीर साइदो से समझौता कर लेंगे। आप हमें गलत ना समझे रेजिडेंट बहादुर, आप जैसा कहें हम करेंगे। अगर ऐसा है तो हुजूर फौरन राजा खान को बुलाएं। आपके हुक्म के बिना वो मुर्शिदाबाद नहीं आएंगे, और उनकी गैर मौजूदगी में आपकी मसनद नशीनी भी मुमकिन नहीं। लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि रुक्का मिलते ही फौरन मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो जाएं और हमारे दरबार में हाजिर हों। राजा नंद कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? की तो थी हुजूर, पर हार माननी पड़ी। इसलिए आप फौरन बेखटके मुर्शिदाबाद तशरीफ ले जाएं हुजूर, और वहां जाकर नायब सूबा का ओहदा संभालें। राजा नंद कुमार अंग्रेजों की नजर से काफी गिर चुके हैं। ये तो कहने की बात है कुली साहब, राजा नंद कुमार को शुरू से ही मुझसे बहुत अदावत रही है। उन्होंने ही मरहूम मीर जाफर के कान मेरे खिलाफ भरे थे और मुझे उस मनहूस दस्तावेज पर दस्तखत करने पर मंजूर किया, जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ 16 लाख रुपए के गबन का इल्जाम लगा सके। वो इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अजीब गुमगु में मुब्तला हूं, ओहदा मंजूर करता हूं तो जान और इज्जत का खतरा है, और ना मंजूर करूं तो फिर ढाका के बयाबान से निकलने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मामला बहुत पेचीदा है। निजामत और कंपनी के तवाजन को यकसा रखना ही होगा। लेकिन हुजूर, अंग्रेज व्यापारियों के साथ आपका काम कर पाना कैसे मुमकिन होगा? क्यों नहीं, मुमकिन होगा, जरूर मुमकिन होगा। आपने मेरी तरह जनाब अली वर्दी खां का जमाना नहीं देखा। सूबा बंगाल में चारों तरफ खुशहाली थी,
लोग चैन की जिंदगी जी रहे थे। जमींदार सख्त तो थे लेकिन जालिम नहीं। तिजारत भी अपने उरूज पे थी। देखते ही देखते सब कुछ बदलने लगा। अमीरों की आपस में खाना जंगी शुरू हो गई और फिर आए अंग्रेज ताजिर, उनके गुमश्ते बनिए, सब ने मिलकर रैयत को लूटना शुरू किया। निजामत का दस्तूर चौपट हो गया और किसी को कुछ फिक्र ही नहीं। और अब तो हालात उससे भी बदतर हैं। मैंने सोचा कि नायब सूबेदारी का ओहदा मंजूर करके मैं जनाब अली वर्दी खां की तंजीम को फिर से राइज करूंगा। लेकिन जब राजा नंद कुमार जैसे दुश्मन के बारे में सोचता हूं तो हिचकिचाता हूं। वो सिर्फ फौरी फायदे की ही सोचते हैं। लेकिन हुजूर, अंग्रेज तो आपके साथ हैं। लेकिन कब तक साथ रहेंगे? वो मेरी सलाह मानेंगे भी कि नहीं? और मुझे अपनी बातें मनाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? हुजूर, इस बात का फैसला तो मुर्शिदाबाद जाकर ही हो सकता है। मैं आपकी रवानगी का इंतजाम करवाऊं? मसनद नशीनी के लिए सिर्फ आप ही का इंतजार हो रहा है। आखिर मसनद नशीनी की इतनी जल्दी भी क्या है? हुजूर, नवाब ने अंग्रेज गवर्नर और कौंसिल के मेंबरान को मोटी मोटी रकम देने का वायदा किया है। और अब पता चला है कि साबत जंग बहादुर क्लाइव साहब विलायत से तशरीफ ला रहे हैं। कंपनी ने उनके हुकूक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इसीलिए कौंसिल वालों को खतरा है कि कहीं वो बना बनाया खेल उनका चौपट ना कर दें। साबत जंग बहादुर क्लाइव साहब आ रहे हैं। राजा नंद कुमार एक वक्त उनके मीर मुंशी रह चुके हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है कुली साहब। मुर्शिदाबाद की रवानगी के शगुन अच्छे नहीं है। बंगाल के नवाबों को अंग्रेज अपनी मर्जी से गद्दी पर बिठाने लगे। शासन की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर भी नहीं थी, वो तो बेचारे नित नए नवाब का काम था। अंग्रेजों का काम था जल्द से जल्द दौलत बटोरना। दौलत के लिए एक शर्मनाक निहायत छीना झपटी मची और ईस्ट इंडिया कंपनी के कारकुनों के लालच और बेईमानी ने सारी हदें पार कर ली। इन दोनों ने तगड़ी रकम भी हेट ली है और ऊपर से रजा खां को हमारे छाती पर मूंग डलने डाल दिया है। हुजूर, अब बेहतर यही है कि जल्द से जल्द आप लॉर्ड साबर सिंह बहादुर क्लाइव से मुलाकात करें। उनसे हमारे बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। ठीक है, अब रजा खां साहब से कह दीजिए हम कलकत्ते जाएंगे। जी नहीं हुजूर, ऐसी गलती मत कीजिएगा वरना हमारे सब मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। एक सफा भी ठीक ढंग से दर्ज नहीं किया गया। कमबख्त आधे से ज्यादा खाने तो खाली पड़े हैं। ये सब क्या हो रहा है? हुजूर, जब आंकड़े ही नहीं है तो खाने कैसे भरे? आंकड़े नहीं है तो मैं कंपनी बहादुर को पिछले साल के लगान का खाक हिसाब दूंगा। हुजूर, नवाब मीर कासिम के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसके जमा खर्च के आंकड़े भी गायब हैं। हुजूर, हिसाब की जिम्मेदारी राजा नंद कुमार की थी। राजा नंद कुमार? और बिहार के लगान के महसूली के आंकड़े? राजा नंद कुमार के मुंशी हमारी मदद करने से कतरा रहे हैं हुजूर, एक भी हिसाब देने को तैयार नहीं। कहते हैं कि गाय खा गई बही खाते। और राजशाही जमींदारी के हिसाब की पोथियां आग में जल गई। मक्कार, लगता है कि महसूली के दफ्तर में भी राजा नंद कुमार ने ही आग लगवाई होगी। हुजूर, मैं क्या कह सकता हूँ हुजूर। कुली साहब, पैदा कुली साहब, जरा इधर आइए। फौरन कंपनी बहादुर के नाम खरीदा भेजिए कि मैं अब इन हालात में नायब सूबा का ओहदा संभालने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि राजा नंद कुमार कदम कदम पर मेरे रास्ते में रुकावटें डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हुजूर। दिन ब दिन हालात नाकाबले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। यहां हम अपना खून पसीना एक करके महसूल के हिसाब सही करने में जुटे हुए हैं और वहां वही एक शख्स जैसे यह सब कुछ ठीक रखना चाहिए था कलकत्ता में क्लाइव साहब के कान भर रहा होगा मेरे खिलाफ, और ऊपर से कलकत्ता कौंसिल को वो हिसाब मांगने में जल्दी पड़ी हुई है।
इस तरह से काम होता है क्या? हुजूर, मेरी एक राय है, आप फौरन कलकत्ता तशरीफ ले जाएं और वहां क्लाइव साहब को सब कुछ साफ साफ बताएं। एक हफ्ता हो गया है क्लाइव साहब के बुलावे को आए हुए। उनके खत के अंदाज से मैं बहुत फिक्रमंद हूं। कलकत्ता ना आने की शिकायत कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं नवाब साहब के साथ उनसे मिलने क्यों नहीं चला आया, पर जाता कैसे जब नवाब साहब ने खुद मुझे कलकत्ता जाने से मना किया हुआ है, और ऊपर से यह हिसाब की गड़बड़। आप फौरन निकल पड़िए हुजूर। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, असली करता धरता तो क्लाइव ही है। निजामत की बची कुची शान को अगर कायम रखना है तो उन्हें सलाम तो करना ही होगा, पर इन हालात में ना जाने वो कैसे पेश आएंगे। On behalf of the council, I welcome you back to Calcutta, Lord Clive, and your colleagues, Mr. Veray, Mr. Sykes. Thank you, gentlemen. Before I proceed, let me remind you that the directors of the company have granted me and my select committee absolute powers, independent of the Calcutta Council, to act in the manner I feel fit. We have all read the relevant paragraphs of the director's instructions, and we are anxious to discuss the meaning and extent of the powers granted to the select committee. Absolutely not, Mr. Lester. The select committee is the sole judge to the extent of its powers. There's no need for any discussion. I think a discussion would be very useful, particularly in view of certain letters from the directors that invalidate your powers. Mr. Johnson, are you trying to dispute the authority of the select committee? No, Lord Clive, but... Let's proceed. On coming to Calcutta, what have we heard but anarchy, confusion, and what is worse, an almost general corruption? It has come to our notice the unseemly hurry to place Najmuddaulah on the musnad is because of the £140,000 paid to the council and the governor by the Nawab. This is in complete violation of the company rules, which forbids its servants from accepting gifts from Indian princes over 4,000 rupees. Forgive the interruption, Lord Clive. But with regard to gifts in general, we have your example. We have not forgotten the lavish gifts you have taken from the Nawab Mir Jafar when you placed him upon the Masnad after the Battle of Plassey, nor the generous endowment of a Jagir. The circumstances were different then. I accepted those presents in a military capacity. And the Jagir is related to the title Sabah Jung conferred on me by the Mughal Emperor. Gentlemen, before I accepted this assignment, I gave an undertaking to the directors that I shall not enrich myself by one farthing as president of this council. Let me assure you, before I'm done here, each one of you would sign a similar undertaking. I am also determined to end the private trade of the company's servants and their gomastars and banyas. And if any of you doesn't like this, you're welcome to take the first boat back home. In this, you have the support of the select committee, Lord Clive. Good. You hear? Gentlemen, I am quite satisfied with the military position of the company. But I disapprove of our army's advance at Allahabad in the war with Nawab Shuja-ud-Dawla of Oud. The Nawab's lands have been handed over to the wild Rohilla tribes. This is not a secure position for us. I plan to settle a treaty with the Nawab of Oud. I also plan to meet the Emperor to discuss the handing over of the revenues of Bengal, Bihar, and Odisha to the company. Since now our interests are extended, and commerce alone is not the whole of the company's support, we must go forward. To retract is impossible. Johnson will need watching. He could prove to be an irritant at every stage. We cannot afford to build up too much opposition, sir. Perhaps this ban on private trade is too severe. It will affect every single member of the company. I have an alternative arrangement. I propose to set up a trade society whose shares will be distributed amongst the senior members. The society will trade on our behalf, which should keep the junior members out of our hair, and also generate enough revenue for us. Wonderful idea. There is just one more thing. The nobleman we have appointed as Nayab Sobha
Mohammed Abdulrazak Khan, is here to see you. Now, he's honest, he's dedicated, and an excellent administrator. Could you grant him an audience soon? The Nawab and Raja Nand Kumar were very bitter in their complaints against him. Yes, but... Which is good. Good. Yes, of course I'll see him. I have an idea he should be useful to us. आदाब अर्ज करता हूं हुजूर। आदाब, बैठिए। शुक्रिया। खान साहब, आपके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं हमें नवाब नजमुद्दौला से, राजा नंद कुमार से और काउंसिल के मेंबरान से। उन्हें क्या शिकायत है हुजूर? नवाब साहब के पास एक दस्तावेज है जिसमें आपने कबूल किया है कि ढाके की मालगुजारी से आपने 16 लाख रुपए गबन किए थे। ऐसा एक दस्तावेज है जरूर, लेकिन उस दस्तावेज पर मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे। राजा नंद कुमार ने नवाब मीर जाफर को मेरे खिलाफ इतना बरगलाया कि उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया। जान पर आ बनी तो मुझे उस दस्तावेज पर जबरदस्ती दस्तखत करने पड़े, लेकिन उस कागज की कोई अहमियत नहीं है हुजूर। हो सकता है, और काउंसिल से यह भी सुना है कि इस ओहदे को पाने के लिए आपने पुराने गवर्नर और कई काउंसिल के मेंबरान को रिश्वतें भी दी। ये इल्जाम सरासर गलत है हुजूर। आपसे किसने कहा? ये सही है या गलत? मेरी इज्जत का सवाल है जनाब। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि मेरी तरफ से रिश्वत की ऐसी कोई शुरुआत नहीं थी। हां, काउंसिल के एक मेंबर ने मुझसे एक बहुत बड़ी रकम मांगी थी। जॉनसन ने? आपको कैसे पता चला हुजूर? हम धन सूंघ लेते हैं, खास तौर से काला धन। कितने रुपए दिए थे आपने हुजूर? बहुत हुज्जत के बाद 4.5 लाख रुपए की रकम तय हुई थी। क्या आप यह सब को लिखकर इस पर दस्तखत कर सकते हैं? आप कहेंगे तो जरूर करूंगा हुजूर। ठीक है, अब मैं आपको आगे के मंसूबे सुनाता हूं। मुगल बादशाह कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी बख्शने वाले हैं। आप नायब दीवानी रहेंगे क्योंकि आपको लगान और महसूल के मामले में तजुर्बा है, यानी आप निजामत और कंपनी के बीच पैरवी करेंगे। रियासत के अमीर उल उमरा, क्या ख्याल है? आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, लेकिन अगर मुझे इंतजामात का बार उठाना होगा तो मैं चाहूंगा कि जनाब अली वर्दी खां के जमाने के दस्तूर को लागू किया जाए। ज़ाहिर। और उसके लिए मुझे अपने मोतबिर आदमियों को रखने की आजादी चाहिए हुजूर। मैं समझ गया आपका इशारा किसके तरफ है। राजा नंद कुमार काबिल आदमी है, लेकिन उसे जोड़ तोड़ करने की बुरी आदत है। उनके खिलाफ गवर्नर वैन सितार्थ का बनाया हुआ ब्यौरा मैंने देखा है। आदमी चालाक है हुजूर। राजा नंद कुमार को आप कैसे रोकेंगे? वो तो नवाब साहब का खास आदमी है। राजा नंद कुमार को हुक्म मिला है कि वो कलकत्ते में ही रहेंगे, अब मुर्शिदाबाद जाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपके लिए तो एक इशारा ही काफी था। अब मैं इजाजत चाहूंगा। इतनी जल्दी नहीं रजा खान, इसकी एवज में आपको भी महसूल बढ़ाना होगा। मेरे भी कई दुश्मन हैं जो इस ताक में बैठे हैं कि मैं मुंह की खाऊंगा।
जैसे मैंने आपको तंजीम में आजादी दी है, वैसे मैं चाहूंगा कि आप मुझे महसूल में बढ़ोतरी दें। मैं समझ गया। तो फिर मैं बेफिक्री से नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में जा सकूंगा। आदाब। आपने हमारे मुर्गे को हरा दिया नवाब साहब। चलिए एक बार और लड़ाई लेते हैं। नो नो नो, हम हार मान गए और हर जाने में आपको अवध भी लौटा दिया। जी क्या फरमाया? मैंने अर्ज किया नवाब शुजाउद्दौला कि कंपनी बहादुर ने आपको आपकी रियासत लौटा दी। साबर जंग बहादुर साहब, हम किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करें? पिछले जंग में जो हमने खर्चा उठाया था उसको आपको पूरा करना होगा। हम खुशी से करेंगे और कंपनी के किसी दुश्मन को आप पना नहीं देंगे। जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया साबर जंग बहादुर साहब। हम बतौर तोहफा आपको क्या पेश करें? आप जो चाहें हम देने को तैयार हैं। आपकी खुशी हमारा इनाम है। लेकिन बादशाह शाह आलम की मंजूरी भी तो जरूरी है। वो आप हम पे छोड़ दीजिए। खुदा आपको कामयाब करे साबर जंग बहादुर साहब। इस मुबारक घड़ी हमारा शाही फरमान जिसकी पूरी तरह तामील की जाएगी जारी किया जाता है। वाबस्तगी और खिदमात के मद्देनजर हम बुलंद इकबाल अमीर उल उमरा सरदार नर्द आजम खादिम वफादार दौलत इंग्लिशिया कंपनी बहादुर को सुबह बंगाल, सुबह बिहार और सुबह उड़ीसा की दीवानी अता फरमाते हैं। बंगला साल 1172 की रवि फसल की अगवानी सही बतौर इनायत पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए। अब तो आप मुतमईन हैं साबत जंग बहादुर लाठ क्लाइव साहब? बिल्कुल मुतमईन के चापना। शहनशाह हिंद इस बात से नाखुश है जनाब कि आपने दीवानी की एवज में नजराना कुछ कम रखा है। इस मामले में अगर तस्फिया हो जाए तो गुस्ताखी माफ से ले लाई, लेकिन 26 लाख रुपए की रकम सालाना बिल्कुल वाजिब है। तीनों सुबह बर्बाद हो चुके हैं उस जंग की वजह से जो हम पर जबरदस्ती लादी गई थी। रैयत पर जुल्म किए बिना इससे ज्यादा रकम नहीं जुटाई जा सकती। मेरी अदना सी राय है कि 26 लाख की रकम भी फरमान में दर्ज की जाए। मुझे उम्मीद है कि जापना के खातिर तवाजों में कंपनी के अफसर ने कई कमी नहीं छोड़ी होगी। अगर हुजूर आला को किसी चीज की जरूरत दरपेश हो तो हम उनका हुक्म बजाने के लिए तैयार हैं। हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। Personally congratulate you on obtaining the Diwani for the company. Tell me, was it very hard to get? It took less time than it would take to negotiate the sale of a jackass or a head of cattle. Francis, I am appointing you resident in Murshidabad. Well, that's wonderful, sir. Don't you think I'm a little inexperienced? Yes, but I need someone I can trust. There are not very many that I can hear. Thank you, sir.
I want you to be a sort of watchdog for the company. Make sure that the revenues are collected and remitted. Because this is not the Nawab's concern anymore. He will live on the allowance we give him. And we should also fix an amount for Raza Khan to run the administration. The rest of the revenue is ours. Therefore, it is in our interest that we collect the maximum revenues. Sir, most of the Nawab's spending is absolutely wasteful, and the administration is full of dead wood. Surely there's a way to cut this wastefulness. Go about it in stages. Find out the areas that are ripe for cutting. The Nawab's army, for instance. You know, it's an absolute lot of ragged mercenaries, you know, who are a burden on the exchequer. Disband a lot of them and deduct their salaries from the money we pay to the exchequer. But do you really think that Reza Khan would cooperate, sir? I do not trust him. On the contrary, Francis. On the contrary, you must work very closely with him. Do not alienate him, whatever you do. He's the key to the system I'm trying to set up. Sir, I still think it is to our benefit not to allow native officers to collect the revenue. I think our men will do a much better job. No. This will entail an unnecessary expenditure and trouble. The purpose of getting the Diwani was not to govern the country, but to enrich the company within the framework of the Mughal Empire. Though we have the power to govern, we will not use this power. There's also a practical reason. It would require us 3 times the number of civil servants to govern these provinces. On the other hand, if we leave the management to the old officers of government, the company will not need spending money on additional servants. Do you understand? Yes, sir. I'll do the best I can, sir. Good. नवाब मीर कासिम के जवाल के बाद खाना बदोशी में उम्र कट गई। अब तो हड्डियां भी जवाब दे चली हैं। ये सब ज़ईफ़ी के आसार हैं रजा खान। अली इब्राहिम साहब, आप तो माशाल्लाह अभी जवान हैं। खुदा आपको उम्र दराज दे। और फिर अब तो हमारी मुसीबत के दिन भी खत्म होने वाले हैं। अब क्या बताएं रजा खान, दुश्मनों का हुजूम चारों तरफ मौजूद है। बड़ा खतरा मोल लेकर मुर्शिदाबाद लौटा हूँ। एक जमाना था आप भी तो हमसे बहुत नाखुश थे। आप तो नाहक मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल मैं खुद बहुत सारी मुसीबतों में मुब्तला था। तशरीफ रखिए, ये लीजिए। शुक्रिया। अब तो बात ही कुछ और है भाई। अब तो आप माशाल्लाह इस सूबे के नायब सदर हैं, अमीरुल उमरा साबत जंग बहादुर के खास आदमी। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। अली इब्राहिम साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारी निजामत में एक ओहदा कबूल कर लें। नहीं रजा खान, ये उम्र अब इस बात की इजाजत नहीं देती। देखिए, मुझे तजुर्बेकार हाकमों की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि अली वर्दी खां के जमाने को फिर से रायज किया जाए। यही सुनकर तो मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बहुत खूब। तो क्या मैं समझूं कि आपने ये मंजूर कर लिया? हाँ, लेकिन इस बूढ़े की एक राय है। फरमाइए। लगान की दरें बहुत ऊंची हैं। बिहार के लिए 68 लाख है ना? जी। आपके आमिलों और अफसरों का इतनी बड़ी रकम को जमा करना नामुमकिन सा लगता है। आप सही फरमा रहे हैं। दरें ऊंची रखकर क्लाइव साहब कंपनी में अपनी साख बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि इतनी रकम कभी भी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका भी एक तरीका है। आमदनी की कमी रकमें मुआफी समझकर हम अपने बही खातों में दर्ज कर देंगे, और तब तक क्लाइव साहब का काम यहां खत्म हो जाएगा और वो शान से विलायत लौट जाएंगे। लौट जाएंगे? कहने और सुनने में तो ये भी अच्छा लगता है, लेकिन इन अंग्रेजों पर ज्यादा एतबार मत करना रजा खान।
एक तरफ तो ये लगान के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने दलालों को रैयत को लूटने से रोकते भी नहीं। इसके बावजूद किसानों पर जोर डालते हैं कि वो सस्ता बेचें, महंगा खरीदें। ऐसे में बेचारे किसान क्या करें, आखिरकार गांव छोड़कर भाग जाते हैं। अब इन उजड़े हुए गांव से आप लगान कैसे वसूल करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, इसका भी कोई हल सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। आप परेशान मत होइए रजा खान, कमस्तों और बनियों का जो मामला है वो किसी तरह हल कर देंगे। आप बहुत ठीक काम कर रहे हैं, बस लगान की आमदनी सही होनी चाहिए। क्लाइव साहब, आप तो हमारा तर्ज अमल बखूबी समझते हैं, लेकिन साइक साहब की समझ में कुछ आता ही नहीं, बस पीछे पड़े रहते हैं। खर्च कम कीजिए, खर्च कम कीजिए। अब जहां तक खर्च कम हो पाया हमने किया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुत से खानदान महकमे की नौकरियों के जरिए ही पल रहे हैं, अब उनके मुंह से निवाला कैसे खींचा जा सकता है? इस तरह से तो लोग बदजन हो जाएंगे हजूर। आपको साइक्स के साथ मिलकर रहना होगा। कंपनी को दीवानी से इस साल 2 करोड़ रुपए वसूल करने की उम्मीद है और इसका सहरा आपके सर होगा रजा खान। आप बेफिक्र रहिए, विलायत लौटने के पहले हम आपके हक में एक शुक्रिया का दस्तावेज छोड़ जाएंगे ताकि सनद रहे। इसका बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, लेकिन आपके जाने के बाद क्या होगा? साइक साहब आपकी तरह पुराने दस्तूर के कदरदान तो है नहीं। उस्ताद गवर्नर वेरे होंगे, वो आपकी मदद करें, मायूस मत हो। निजामत का काम दिल लगाकर आगे बढ़ाते रहो। इसके बाद क्लाइव की दोहरी सरकार की नीति का पतन शुरू हुआ। 1766 में अचानक नजमुद्दौला की मौत हुई और उसकी गद्दी पर उसके बेटे सैफुद्दौला को बिठाया गया। इसके फौरन बाद क्लाइव विलायत लौट गए और निजामत के दस्तूर को खत्म करने की कोशिशें जोर पकड़ने लगीं। जनाब रेजिडेंट साहब, आपका यह हुक्मनामा मेरी समझ में नहीं आया। आप क्यों चाहते हैं कि पूर्णिया और दिनाजपुर में मैं अपने अफसरों को गिरफ्तार करवाऊं? खान साहब, मैं उन 2 जिलों से अभी अभी आया हूं और मैंने वहां देखा कि आपके आदमी कंपनी बहादुर के साथ बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, आपके आदमी रिश्वत खाने के आदि हो गए। मैंने उनसे बार बार कहा कि लगान भेजो, लेकिन वो लोग ये बहाना बनाते हैं कि उस जिले के लोग गरीब हैं। तो मैं खुद वहां जाके देखा, एक अच्छा खासा जरखेज जिला है। खान साहब, आपके आदमी झूठ बोलते हैं। साइक साहब, ऐसी बात नहीं है, वहां पूरी रकम जमा करने में वाकई ही दुश्वारी हो रही है। फिर भी पूर्णिया के सुबित राय ने सूद पर रुपया उधार लेकर महसूल की काफी रकम अदा की है। कितनी रकम? आधी से भी कम। खान साहब, आप जानते हैं कि पूर्णिया की दर कितनी थी? 25 लाख। बहुत ज्यादा है जनाब। अली वर्दी खां के जमाने में पूर्णिया से कुल मिलाकर 4 लाख रुपए आते थे। इस तरह से तो यह इलाका बर्बाद हो जाएगा साहब। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर यह रकम मुकर्रर नहीं की, आपसे पूछकर की। सही फरमाया, मगर कई जिलों में मैंने जानबूझकर दरें ऊंची रखी थी ताकि सही आमदनी का अंदाजा लगा सकूं, हालांकि पूरी रकम वसूल होने की उम्मीद नहीं होती थी। खान साहब, आप अपने अफसरों के गबन की गुंजाइश रखते हैं, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। अब अच्छी तरह समझ लीजिए खान साहब, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कंपनी बहादुर को सही आमदनी मिले, वरना हम आपका यह पुराना दस्तूर खत्म कर देंगे। इसी दस्तूर की बदौलत आपको महसूल मिलता है जनाब। हम उसको बदल देंगे। हम काउंसिल में दरखास्त करेंगे कि हर जिले में हमारा जूनियर अंग्रेज ऑफिसर
महसूल की जिम्मेदारी उठाए। यह हमें मंजूर नहीं साइक साहब। साबत जंग क्लाइव साहब ने साफ कहा था कि निजामत के दस्तूर में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अपने आदमी जिलों में रखकर कंपनी निजामत की जगह खुद लेना चाहती है क्या? मैंने हमेशा आपसे सलाह मशवरा करके अफसर मुकर्रर किए, हालांकि यह जरूरी नहीं था। निजामत के नाम से मैंने आपको जाती तौर पर तजारत की इजारेदारी दिलवाई। देखिए, अब आप अपनी मनमानी करके पूरा दस्तूर नहीं उलट सकते जो मैंने इतनी मेहनत से कायम किया है। खान साहब, आपको खुद अपनी बात पर यकीन नहीं होता होगा। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं नए गवर्नर के पास जाऊंगा। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि आप निजामत के हकूक मिट्टी में मिला दें। आपकी मर्जी है खान साहब। आदाब। Why do you want to meet Raza Khan here? I needed some privacy. There are some things I want to say to him that are best said away from the office. That fool, Sykes. I thought we'd be rid of him in a few days. But before that, he has to stir up this hornet's nest. Mm-hmm. Becker, your job as resident at Mushidabad is going to be more difficult now. What do you think of Sykes' proposal to place company supervisors in the district? Get the council to reject it. What else? You know why he wants supervisors, of course. It's just a ploy to protect his own trading interests in the districts. If he has junior officers loyal to him, who also get a share in the profits, then the council will never know what happens in the districts. But what he does not realize is that the council have their own monopolies in the districts, and they will not be eager to place junior officers who may start demanding a share of the profits. Senior members are rapidly becoming a minority. Every ship from England brings a fresh horde of junior officers, all eager to make their fortune in a few days. If they sniff out Sykes' plan, they'll force you to implement it. If you don't, your own position on the council will be weakened. Well, now you will see why I wanted to meet Raza Khan here. Aye, Raza Khan. Aap theek to hain? Aadab arz karta hoon, huzoor. Baithiye, Raza Khan. Shukriya. Tashreef rakhiye. ये मिस्टर बेकर है जो मुशीदाबाद में साइक्स की जगह लेंगे, and this is our most faithful ally, Mohammed Raza Khan. आपसे मिलकर खुशी हुई बेकर साहब। वेरी साहब, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। जानता हूं, उस पाजी साइक्स की वजह से काउंसिल उनकी टाइज वीज रद करेगी, फिक्र ना करें। कई बार साइक्स साहब को समझाने की कोशिश की है कि कंपनी के एजेंटों पर जिलों में जरा रोकथाम लगाइए, अगर वही रैयत से पैसा बटोरना शुरू कर देंगे तो फिर रैयत के पास महसूल देने के लिए रह क्या जाएगा। इस मामले को लेकर काउंसिल के नाम लेटर लिखिए, तभी मैं इस मैटर को आगे बढ़ा सकता हूं। बेकर भी आपकी हेल्प करेंगे, बट वी शुड ऑल्सो नीड योर हेल्प राजा खान। मैं हमेशा आपके साथ हूं वेरी साहब। ऐसा है खान साहब कि काउंसिल के कुछ सीनियर मेंबर्स इस बात से परेशान है कि आवाद की कॉटन से यहां का बाजार कमजोर हो गया है। हमारे प्रॉफिट पर भी असर हुए है। हम चाहते है कि बाहर से आने वाले कॉटन पर अब टैक्स लगाए। मैं हाजिर हूं वेरी साहब, मगर जो कपास बाहर से आ रही है वो आप ही के छोटे अफसर मंगवा रहे हैं। जानता हूं, मगर हमारे लिए हज तो खाना होगा आपको। बजा फरमाया वेरी साहब। Thank you.
खुदा का शुक्र है हुजूर कि आप सही सलामत बच गए। क्या जरूरत थी आज दफ्तर में आने की? काम बहुत बकाया पड़ा है कुली साहब, ताकतें मेरे खिलाफ इकट्ठी हो रही हैं, और फिर हिसाब तो किसी हालत में मुकम्मल होने ही चाहिए। हुजूर कंपनी के ओहदेदार आपका फायदा उठा रहे हैं, बड़े अफसर छोटे अफसरों की तिजारत आपकी आड़ लेकर रुकवाना चाहते हैं, और छोटे अफसर ये समझते हैं कि आप पर वार करके वो बड़े अफसरों के साथ बदला ले रहे हैं। दरअसल हुजूर सब बंधनवार हैं, दोनों गुट निजामत की रियाया का खून चूस कर ऐश करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके सब भक्त छिन जाएंगे हुजूर, और एक दिन आप सिर्फ नाम के नायब दीवानी रह जाएंगे, निजामत खत्म हो जाएगी हुजूर। नहीं कुली साहब, मेरा दस्तूर कंपनी के खिलाफ एक ढाल है। माफ करें हुजूर, पर यह ढाल अब सड़ने लगी है, कंपनी की लालच के आगे ये टिक नहीं पाएगी, और उन लोगों के पास बहुत हौका है दौलत बटोरने का, वो कुछ भी कर सकते हैं हुजूर, किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं। फिर भी मैं हथियार नहीं डालूंगा, बस तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना। सत्रह सौ उनहत्तर में ऐसा भयानक अकाल पड़ा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की एक तिहाई आबादी भूख से मर गई। निजामत और कंपनी ने सस्ता चावल बांटने का इंतजाम किया, मगर कंपनी के अफसर और उनके बनियों ने सारे धान पर कब्जा कर लिया और खूब दौलत बटोरी। अकाल के बावजूद लगान बाकायदा जमा किया गया, रकम पूरी न हो पाई तो फिर से जूनियर अफसरों ने अंग्रेज कारकुन रखने की मांग की। निजामत अब लड़खड़ाने लगी। मिस्टर गवर्नर, द मैटर इज वेरी सिंपल। देयर इज अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ चेक्स ऑन द ऑफिसर्स ऑफ द नेटिव गवर्नमेंट हु आर जनरली एडवेंचरर्स फ्रॉम पर्शिया, एजुकेटेड इन द मैनर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच टिरनी, करप्शन and anarchy are predominant, who are strangers to the customs and indifferent to the welfare of this country. They cannot in any manner be restrained from practicing their native oppressions over a timid, servile and defenseless people. The answer then must lie in the posting of Englishmen in every district. Gentlemen, gentlemen, please. While I will concede that the supervisor scheme is revolutionary in concept and could provide a nursery of able administrators for the future, I must warn you that there is a rock, and a very dangerous one in this path, which requires the greatest circumspection to avoid. We have stepped forth beyond all former precedents and example. Oh, yes. We have the best arguments and the most laudable arguments to justify our conduct. But it should be remembered that we have reached the supreme line, which to cross would be an open avowal of sovereignty. This change, even supposing the greatest of restraint on our part, could destroy the Nizamut. No. Yeah. Yes, gentlemen. Yes. No. Yes, gentlemen. तो जहाज को डूबता देखकर छछुंदर भागने लगे। अभी यह जहाज डूबा नहीं। किस दुनिया में रहते हैं खान साहब, आपके दिन अब लद गए। अभी कंपनी के डायरेक्टरों ने अंग्रेजी मुंतजिमों की तजवीज को मंजूर नहीं किया। डायरेक्टर्स का तो बोर्ड ही बदल गया समझिए। नए बोर्ड पर साबर जंग बहादुर क्लाइव के सारे दुश्मन बैठे हैं। इससे मेरी निजामत का क्या ताल्लुक? मुझे हमेशा से लगता रहा कि इस ओहदे के लिए आप बिल्कुल गलत आदमी हैं। आपको रत्ती भर भी इल्म नहीं कि इस खेल में कौन कौन सी हस्तियां शामिल हैं।
आपकी किसको फिक्र है? बराए रास्त आप पर चोट करने में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना कंपनी के अफसर दिलचस्पी रखते हैं। उनका सीधा वार क्लाइव पर है और उसके दस्तूर पर। और चूंकि आप उस दस्तूर के नुमाइंदे हैं, लिहाजा आपको तो हटाया ही जाएगा। मैंने क्लाइव साहब का इसलिए साथ दिया क्योंकि वो समझ सकते थे कि मैं निजामत में मुगल सल्तनत के पुराने असूलों को कायम रखना चाहता था। क्लाइव अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं समझता खान साहब, इसीलिए विलायत में उस पर अदालती कार्रवाई की जा रही है। उसके सारे आदमियों को हटाया जाएगा, गवर्नर वेरी, काउंसिल में उसके नुमाइंदे और आप। खान साहब, क्लाइव के दुश्मन आप अपने छोटे अफसरों की आड़ लेकर अपना हक जमाएंगे। बस चंद दिनों की बात और है। आप ये कैसे जानते हैं? कभी कभी बंगाल के बाहर भी देख लेने के बड़े फायदे हैं हुजूर। लंदन में मेरे कुछ एजेंट्स हैं और उनसे आपके बारे में जो खबर मिली है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी वो दस्तावेज जिस पर आपने ढाका में दस्तखत किए थे, जिसमें आपने 16 लाख रुपए के गबन का इकरार किया था, आजकल उनके पास है। कंपनी भी आपको गबन के इल्जाम में अदालत तक खींच कर ले जाएगी। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, साबित कर सकता हूं। जी हां, लेकिन तफ्तीश में मैं कंपनी का साथ दे रहा हूं। मेरी बदनसीबी में आप मुझे जलील करने आए हैं? नहीं नहीं खान साहब, बल्कि मैं तो आपसे समझौता करना चाहता हूं। आपके समझौते का मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूं राजा नंद कुमार। आप मौका परस्त हैं, तोता चश्म हैं, कभी अंग्रेजों के साथ और कभी उनके खिलाफ। आप हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं। निजामत जाए भाड़ में, रियाया हो जाए बर्बाद, आपको क्या? मैं आपके साथ समझौता नहीं करूंगा। खान साहब, हो सकता है जो कुछ भी आपने मेरी शान में कहा वो सही हो, लेकिन फिर भी मैं बचने के गुण जानता हूं। अल्लाह ने चाहा तो मैं बच जाऊंगा और आप चढ़ जाएंगे सूली पर। खान साहब, आप बेवकूफ हैं। आपको जलील किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, आपके घर वाले दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। वो तो अल्लाह की मर्जी है, मुझे उसका कोई डर नहीं। कंपनी को जानना चाहिए कि मेरे बही खाते बिल्कुल मुकम्मल हैं। आपकी तरह मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। रजा खान, जिस निजामत के ख्वाब आप देख रहे हैं वो मिट्टी में मिल जाएगी। अहमक, नए गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल आते ही मोहम्मद रजा खान पर कई इल्जाम लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। जानबूझकर मुकदमे को 2 बरस तक खींचा गया ताकि इस बीच अंग्रेज अफसरों को जिलों में नियुक्त करने की योजना लागू की जाए, जिससे नायब सूबा का ओहदा खारिज किया जा सके। हालांकि राजा नंद कुमार ने अदालत को पूरी सहायता दी, रजा खान बेकसूर निकले। बाद में उन्हें छोटे ओहदों पर नियुक्त भी किया गया और 1791 में उनकी मौत हुई। राजा नंद कुमार आगे चलकर हेस्टिंग्स के आड़े आए और उन्हें जाली दस्तावेज चलाने के जुर्म में फांसी दे दी गई। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत करने के लिए कायम हुई थी और उसके पास जो फौज थी वो तिजारत की हिफाजत के लिए थी। रफ्ता रफ्ता और दूसरों की नजरों से छुपाकर उसने अपने अधीन इलाके को बढ़ाना शुरू किया, मुकामी झगड़ों में कभी इसका कभी उसका पक्ष लेकर, जिसके बदले में कंपनी ने दबाकर कीमत वसूल की। ये समझा गया कि ये भाड़े की फौजें हैं, जो चाहे दाम देकर इस्तेमाल कर सकता है। ये हकीकत जब खुली कि अंग्रेज दूसरों के लिए नहीं खुद अपने लिए लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के मालिक बनना चाहते हैं, तब तक उनकी ताकत मुल्क में खूब मजबूती के साथ जड़ पकड़ चुकी थी। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान।
जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।